आज हम मिल्क पेड़े बनाएंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल, मार्केट वाले पेड़े बिना मिलावट हम घर में बनाएंगे। और आप सोच भी नहीं सकते कि ये इतने बढ़िया देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं जो हमने घर में बनाए हैं। जिस किसी को भी खिलाएंगे वो यकीन नहीं करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल मिल्क पेड़े बहुत ही सिंपल से तरीके से। इसे आप एक ग्लास की मदद से भी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। और आप चाहें तो इस तरह की किसी भी रेसिपी से ट्राई कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल चीनी ली है और इसी बाउल से एक बाउल मिल्क लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच घी ऐड करेंगे और अच्छे से करेंगे मिक्स। जो मिल्क है वो हल्का सा गर्म लिया था जिससे कि जो घी है वो मिक्स हो जाएगा। तो चीनी और घी को अच्छे से करेंगे मिक्स। तो इस तरह से हम पहले ही मिला लेंगे। यहाँ पर अभी कढ़ाई को गैस पर नहीं रखा है, हम इसे ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो जो हमने चीनी और मिल्क लिया था उससे हमें डबल लेना है मिल्क पाउडर। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है। एक बाउल चीनी लेंगे तो 2 बाउल हम मिल्क पाउडर ले लेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और चाहें तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हम गैस को ऑन करेंगे, क्योंकि इसमें यदि हम डायरेक्ट गैस पर मिक्स करेंगे तो लम्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर ही अच्छे से मिक्स हो गया है। कढ़ाई को रखेंगे गैस पर और गैस को करेंगे ऑन और कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे इसमें लम्स वगैरह ना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बढ़िया मिक्स बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप इसे चलाते रहें जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए और मावे की तरह देखने में लगेगा। इसके बाद आप जब इससे पेड़े तैयार करेंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसी देखने में लगेंगे। तो मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा मिठाइयों की डिमांड होती है, तो इस टाइम क्या होता है मिलावट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो इसमें अच्छी सी आ जाएगी शाइनिंग और कढ़ाई में भी नहीं लगेगा। वैसे तो कढ़ाई में नहीं लगेगा क्योंकि हमने यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई इस्तेमाल की है, लेकिन थोड़ा सा घी ऐड करने से ये चिकना हो जाएगा। तो हम घर में ही बिना मिलावट के बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं इस तरह से। तो मिल्क पाउडर से बहुत ही बढ़िया पेड़े बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, थोड़ी सी हम मिक्स लिया था उससे बॉल बनाकर तैयार कर ली है और ये चिपक नहीं रही हाथों में। तो समझ लीजिए मिक्स हमारा परफेक्ट है। यहाँ पर हम कढ़ाई को गैस पर ही रखेंगे और थोड़ी देर चलाते रहेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। इसके बाद भी चलाएंगे क्योंकि कढ़ाई अभी बहुत गर्म है। इसके बाद आप मिक्स देख सकते हैं कितना बढ़िया तैयार हुआ है और देखने में बिल्कुल मावे के जैसा लग रहा है। और यदि आपको मावा अभी नहीं मिलता तो आप मिल्क पाउडर से पेड़े तैयार कर सकते हैं। तो इसे अब हम एक क्लीन रैप पर रखेंगे। घर में पॉलीथीन वगैरह होती है उसको साफ करके उसमें घी लगा देंगे और इससे मिक्स जो है वो चिकना कर लेंगे। इससे ये गर्म भी नहीं लगेगा और चिकना भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इससे पेड़े तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कांच का ग्लास लिया है। यदि आपके पास बाउल वगैरह है तो उससे भी आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा बॉल की तरह इस तरह से गोल गोल बना लेंगे और चिकना करेंगे। इसके बाद जो ग्लास लिया है उस पर घी लगाएंगे और हथेली से दबा देंगे तो बहुत ही बढ़िया पेड़े की डिज़ाइन बनकर तैयार होगी। आप देख सकते हैं इस तरह से आप घर में बना सकते हैं। और एक और तरीका हम आपको बताएंगे, मार्केट में जो पेड़ा मेकर मशीन आती है उससे भी आप पेड़ा बना सकते हैं। इस तरह की ये होती है और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है। तो इसे आप इस तरह से ओपन करेंगे और इसे खोलकर जो भी आप डिज़ाइन में पेड़े बनाना चाहते हैं वो वाला शेप आप इसे लगा सकते हैं और एडजस्ट करके आप पेड़े बना सकते हैं। इसे मैंने ऑनलाइन मंगाया है। यदि आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अलग अलग तरह से आप पेड़े बना सकते हैं। तो इससे हम थोड़ी छोटी सी इस तरह की लोई लेंगे और इससे हम
रोल करेंगे और पेड़ा तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा घी इसमें भी लगा देते हैं, बस इस तरह से रखेंगे और ऊपर से प्रेस करेंगे और पेड़ा बनके तैयार हो गया। तो एक बार आप इस तरह से खरीद लें, मंगा लें मार्केट से और उससे पेड़े बनाते रहें हमेशा। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल मार्केट जैसा पेड़ा बनके तैयार हो गया है और घर में ही मार्केट वाले पेड़े आप बना सकते हैं। कोई नहीं कहेगा कि आपने ये घर में बनाकर तैयार किए हैं। तो हम सारे ही पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको हम एक और बनाकर दिखा देते हैं इस तरह से, और बस ऊपर से प्रेस करेंगे और पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। और यदि आप चाहें तो एक साथ दो पेड़े भी बना सकते हैं। तो मिल्क पेड़े, मावा पेड़े, बेसन से भी पेड़े बना सकते हैं, जो भी आपका मन चाहे। और इसे इस तरह से बनाकर सारे रख लेंगे एक प्लेट पर। उसके बाद थोड़ी सी हमने पिस्ते कट करके लिए थे तो वो भी लगा देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल मार्केट वाला लुक आ गया है हमारे मिल्क पेड़े में। और इस तरह से यदि आप एक बॉक्स में रखकर किसी को गिफ्ट करेंगे तो उनको भी यकीन नहीं होगा कि आपने ये घर में बनाए हैं। तो ये भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और घर के लिए भी आप मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। और लास्ट में हमने यहाँ पर थोड़ा सा केसर लगा दिया था, तो इससे भी ये बहुत ही बढ़िया लगेंगे देखने में और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। और घर की मिठाई की बात ही कुछ और होती है। तो इस तरह से आप ट्राई जरूर करें। यहाँ पर हम आपको पास से दिखा देते हैं कितना फिनिश लुक आया है। तो इस तरह से आप भी बनाएंगे तो आपके पेड़े भी परफेक्ट बनेंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।